हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं राहुल स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राहुल स्वामी व्लॉग के ऊपर। तो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी हमारी वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जो है कुरुक्षेत्र व्लॉग की, कुरुक्षेत्र में बने हुए नाबा हाउस, जो नाबा राजभवन वीडियो है, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक ऐतिहासिक इमारत है, उसके बारे में हमने वीडियो बनाई है, जो कि राजा हरि सिंह ने अपने टाइम के अंदर 18वीं शताब्दी के अंदर इसे बनाया था। और ये जो इमारत है वो कुरुक्षेत्र में बने हुए संहित सरोवर के बिल्कुल सामने बनी हुई है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो इस इमारत को आप हमारी वीडियो में बाहर से लेके बिल्कुल अंदर के हर एक कोने तक देखोगे, तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, जैसे भी आपको वीडियो लगे उसके अनुसार हमें कॉमेंट भी करें और हमें बताएँ कि हम नेक्स्ट वीडियो और अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाएं, ताकि हम हमारे जो आप दर्शक हो उनके हिसाब से भी एक दो वीडियो बना सकें। तो देखिए आप ये वीडियो। और रही बात कुरुक्षेत्र व्लॉग की, तो लगभग सभी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब कुरुक्षेत्र की हर एक जो भी चीज़ देखने लायक कुरुक्षेत्र में बनी हुई है, उन सभी वो सारी वीडियो मतलब पोस्ट हो चुकी है। लगभग 2 से 4 वीडियो और होंगी जो अभी बाकी है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। मैं भी आप सभी को वो सारी वीडियो, वो सारी जगह, ऐतिहासिक जगह या फिर वैसे जो जगह बनी हुई है कोई देखने लायक, तो वो भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। ये दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं एक और ऐतिहासिक इमारत, जिसे देखिए बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है। संरक्षित स्मारक नाबा हाउस, दारा कला, थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र। देखिए, चलिए इसके अंदर करते हैं एंटर। पाठ्य प्रस्तुत, देखिए बड़ा ही अच्छा और ऐतिहासिक दृश्य, महल। ये महल नाबा फैमिली ने, ये राजा हीरा सिंह ने बनाया था, और जब वो 18वीं शताब्दी में यहाँ राज करते थे, जब वो यहाँ आते थे तो कहते हैं कि वो इसी राजमहल में रुका करते थे। सुंदर व्यू यहाँ का। तो चलिए देखते हैं, ये पार्क बना हुआ है, यहाँ पे पार्क है, और ये ठीक संत सरोवर, संहित सरोवर के सामने है। देखिए आप, ये पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत आती है चीज़ें। चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू। तो दोस्तों ये देखिए, बहुत ही प्राचीन मंदिर, सॉरी राजमहल है। देखिए कलाकारी, देखिए भाई साहब, कितना अद्भुत। गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा भी लगी हुई है इसके ऊपर। और ये देखिए कैसे बना हुआ यार, ये इतना विशाल। चलिए एंटर करते हैं, बिना मास्क के आप इसके अंदर नहीं आ सकते, ग्रुप फोटो भी आप नहीं ले सकते। देखा, ये बहुत बड़ा दरवाजा बना हुआ है यहाँ पे। फोटोएं भी लगी हुई हैं, एक प्राचीन फोटो। और ये
तराश कर बनाया हुआ। ये फोटो बहुत प्राचीन फोटो है। इस साइड ये सीढ़ियां लगी हुई है। अब ये देखिए भाई साहब, यहाँ भी आपको एंट्री करनी होती है। तो ये देखिए सर जी बैठे पार्क। बहुत ही अच्छा व्यू। एक कुआ है, इसे बंद कर रखा है। और ये देखिए भाई साहब, मतलब खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है इसे। सभी छोटी छोटी इंटों से कैसे बनाया। देखो इसके अंदर और दिखाते हैं आपको। ये देखिए भाई साहब, मतलब मेरे पास करने के लिए शब्द नहीं है। ऐसे इन छोटी छोटी इंटों को, पत्थरों को तराश कर बनाया गया है ये। और कितना टाइम लगा होगा। दीवार भी देखिए, पूरा 1.5 से 2 फीट छोटी दीवार है। और ये दीवार तो भाई साहब 3 फीट 2.5 से 3 फीट चौड़ी। कमाल है जी, बहुत ही अच्छा सुंदर व्यू। ये देखिए महल का महल है भाई। ये होते हैं महल। ये थे, ये राजा का बेडरूम रहा होगा है ना रहने के लिए। अब देखिए दीवार देखिए आप ना। ये एक और रूम है यहाँ पे। हर एक रूम दूसरे रूम को जोड़ता है, लेकिन शायद ये बंद है। ये रूम बिल्कुल बंद है। ये देखिए ये रूम बिल्कुल बंद है। ये रूम एक और है यहाँ पे। और ये देखिए आगे दिखा रहे हैं आपको छत। देखिए इसकी, ये देखिए छत भी। यहाँ मसाले वगैरह रखने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे मसाल रखते होंगे। ऊपर चोटी बनाई हुई है जो कि बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए भाई साहब, मतलब कलाकारी। ये खिड़कियां, ये पिलर, एक गेट यहाँ पे जो ऑन सामने रोड है। पीछे का व्यू, ये पार्क आप देख ही रहे हैं बना हुआ है। पीछे का व्यू है, पीछे रोड है जो कि काफी अच्छा है। इस साइड से भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये नीचे जाने का अंडरग्राउंड है कुछ यहाँ पे, लेकिन ये बंद है अभी। सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं यहाँ पे। और ये तहखाना रहा होगा कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे। ये देखिए सब
यहाँ दूसरे रूम में आ गए अपन, और ये इस चीज की फोटो लगा रखी है, पता नहीं लेकिन है काफी अद्भुत। देखिए मतलब अद्भुत है वही चीजें यार। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से ही पता चला है मेरे को तो यार कि हमारे भारत में कुछ ऐसे ऐसी चीजें हैं। राजा हीरा सिंह जी ने ये बनवाया था अपने लिए, और ये सामने है खजाना राजा जी का तीन ताले लगे हुए हैं, काफी चीजें रखी होंगी क्या पता यार किस टाइम की, है ना, पुराने टाइम की कुछ हो सकता है, कुछ दस्तावेज हो, कुछ भी हो सकता है यार अपने को क्या, है ना। और ये सर बैठते हैं यहाँ पे जो कि संभालते हैं इन चीजों का आने जाने वाले को, देखते हैं वो। अद्भुत व्यू यहाँ का, तो दोस्तों ये था राजमहल इसी टाइम का। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर किया करो यार, इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, दर्शकों के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और खूबसूरत ब्लॉग के साथ। जय हिंद जय भारत।